91.2 NIVH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हिमा। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कार और संस्कृति अपनी खास पहचान रखते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास अपने आप में वो दिव्यता समेटे हुए है जिसे खोजते हुए लोग यहाँ तक खींचे चले आते हैं। हमारा इतिहास इतना खास है जो कि सभी को आश्चर्यचकित तो करता ही है, साथ ही उत्सुकता भी जगाता है उसे जानने, पहचानने और आत्मसात करने के लिए। इसीलिए लेकर आ रहे हैं एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है दिव्यांगता एक भारतीय दृष्टिकोण। इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंगों के बाहर भी कुछ है और वो है दिव्यता। तो चलेंगे आप सब मेरे यानी हेमा के साथ उस दिव्यता की खोज के सफर में और विस्तार के साथ बड़ी ही प्रेरणादायी और सीखने योग्य कहानियों द्वारा निप वेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी बताएंगे हमें। आप सब मेरे यानी हेमा के साथ उस दिव्यता की खोज के सफर में और विस्तार के साथ बड़ी प्रेरणादायी और सीखने योग्य कहानियों द्वारा बताएंगे निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी। दोस्तों, हमारे साहित्य में तो अंगों को अलग अलग तरह की उपमाएं और विशेषण दिए गए हैं, जैसे कि आंखों की तुलना कमल के साथ की गई है, चेहरे की तुलना चंद्र से की गई है और केशों की तुलना मेघ के साथ की गई है। ऐसे देखने पर यूं लगता है जैसे कि शरीर का खूब महिमा मंडन किया गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अंगों से ऊपर उठकर भी दिव्यता की बात की गई है? तो बताएंगे हमें निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी। तो सबसे पहले तो मैं नचिकेता राव जी का हमारे स्टूडियो 91.2 NIVH हेलोदून में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप बताएंगे अब आगे। ठीक है, जैसे आपने कहा कि भारतीय साहित्य में हम अंगों की तुलना बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुओं से करते हैं, नव कंज लोचन नए कमल के फूल के तरह लोचन जी। नवकंज मुख कर नए कमल के फूल के तरह चेहरा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पैर जो कि कमल के तरह है और जिसमें से एक अरुण आ रहा है या सूर्य की एक ज्योति आ रही है जी। तुलसीदास जी की श्री रामचंद्र कृपाल भजमन में वो रामचंद्र को ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए आप सुनते हैं रामचंद्र जी की कहानी, जिनकी आंखें भी कमल की तरह है, कमल नयन जिन्हें भी हम बोलते हैं जी। हम में से इस कहानी के बाद हो सकता है कई लोग ये जान जाए कि दशहरा क्यों मनाते हैं जी। सर तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस तरफ हैं भूमि के ऊपर और उधर दशानन रावण रथ के ऊपर युद्ध हो रहा है। अमूमन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीतते हुए नजर आते हैं, पर एक दिन ऐसा हुआ जहां कि भगवान राम ने ये देखा कि ना ये युद्ध हाथ से निकलता हुआ जा रहा है और आज सिर्फ रावण नहीं लड़ रहा है, उसके साथ माँ दुर्गा स्वयं खड़ी है पीछे। तो बड़े चिंतित हुए, बड़े सोच में पड़ गए। उनके बुजुर्ग जामवंत सबसे बुजुर्ग थे, वो बोलते हैं कि युद्ध में तो हार जीत चलता रहता जी, है। आज का दिन खराब रहा, कल अच्छा रहेगा, पर राम तो राम है। वो बोलते कि नहीं, आज सिर्फ रावण नहीं लड़ रहा था, आज माँ दुर्गा उनके साथ थी, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि माँ दुर्गा की आराधना करूं ताकि वो मातृशक्ति, वो देवी शक्ति मेरे साथ हो जो कि उसके साथ है, वरना मैं ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगा जी। और माँ दुर्गा की आराधना के लिए उन्हें 108 कमल के फूल चाहिए थे। तो जामवंत, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण, इन्होंने बोला कि हम संभालते हैं युद्ध, आप आराधना कीजिए, मां का आह्वान कीजिए। 108 कमल के फूल ले आए गए और भगवान राम बैठे, दुर्गा माँ का उनकी आराधना करना शुरू की, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और जब पहला मंत्र खत्म होता तो एक कमल का फूल चढ़ाते हैं, दूसरा खत्म होता एक कमल का फूल चढ़ाते हैं। ऐसे होते 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 8 दिन बीत गए, 9वां दिन भी शुरू हो गया है और मंत्र उच्चारण करते और कमल का फूल चढ़ाते 107वां कमल का फूल चढ़ा दिया है और 9वां दिन चल रहा है।
माँ दुर्गा बोली ठीक है देख लेते हैं, परीक्षा भी तो लेनी जरूरी है, आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होती है। तो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं पुरुषोत्तम राम और आखिरी फूल चढ़ाने के लिए फूल खोजते हैं और फूल गायब सामने से, फूल नहीं है, अब पूजा पूरी नहीं होगी। अब राम भी राम है, धैर्य दिखिए, बोलते हैं कि ठीक, माँ की याद आती है, माँ बचपन में बोला करती थी, अरे तू तो राजीव नेत्र है, तुम्हारी आंखें जो है वो कमल के फूल के जैसी हैं। तो बाण उठाते हैं और बोलते हैं 108वां यही सही, और अपनी आंख निकालने की अच्छा। के लिए बाण का जो फल है अपनी आंखों में देना शुरू करते हैं और माँ दुर्गा सामने आती है, बोलती है कि ठीक सिद्धि हुई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और 10वें दिन वो रावण के साथ युद्ध के लिए जाते हैं जहाँ की परास्त करते हैं, इसलिए दशहरा। तो 9 दिन की पता चला। 9 दिन की आराधना होती है। और अगर आप देखें तो पहले 3 दिन में देवी का जो पृथ्वी का जो तमस रूप है वो पूजा किया जाता है, बाकी आखिरी दूसरे 3 दिन रजस रूप का पूजा किया जाता है, और आखिरी 3 दिन 3 दिन 6 दिन 9 सत्व रूप का पूजा किया जाता है। तो जगदात्री के रूप से निकलती हैं, सिद्धिदात्री के रूप से निकलती हैं, वो अलग अलग रूप में आती हैं, इसलिए 9 अलग अलग ढंग होते हैं देवी के। एक सवाल आ रहा सर, बीच में टूक रही हूँ आपको, ये देवी का जो नवरात्रि कहते हैं, बीच में सप्तमी भी मनाई जाती है, अष्टमी भी मनाई जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। देखिए वो कुछ इस तरह का है कि एक एक चीज का जन्म होता है, इस पृथ्वी से ही जन्म होता है, बिल्कुल स्थिर होता है वो चीज, फिर उसमें हलचल आती है, वो काम कुछ करना शुरू करता है, हम आप भी काम करते हैं, फिर उत्तेजना रहती है बिल्कुल भी उसमें, उसके बाद फिर वो शांत हो जाता है, समझ से शांत हो जाता है। तो ऐसी हमारी मान्यता है कि 3 तरह के गुण हैं जो कि व्यक्ति को संचालित करते हैं, एक तमस, दूसरा रजस और तीसरा सत्व। बच्चा पैदा होता है, किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, इसी पृथ्वी से उत्पत्ति होती है जो कि स्थिर है, तो इनर्शिया या ठहराव यानी कि वैसा नहीं, इनर्शिया जिसे हम बोलेंगे सही मायने में, वो पृथ्वी का गुण है, इसलिए इसे हम तमस गुण कहते हैं। तो पहले दिन 3 दिन की जो देवी होती है वो तमस गुण का साधना होता है, पृथ्वी से देवी अब बड़ी हो रही है ना धीरे धीरे, देवी यानी कि आपके अंदर की शक्ति जो है, तो उसे हम जागृत कर रहे हैं। तो पहले 3 दिन की जो देवी हैं वो तमस की प्रतीक होती हैं मेरी समझ से, दूसरे 3 दिन की जो देवी होती हैं वो रजस की प्रतीक होती हैं, एक्टिविटी आ जाता है, हलचल आ जाती है, कंपन आ जाती है, बच्चा भागना शुरू करता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, हम आप दौड़ धूप करते हैं, खूब काम काज बढ़ जाता है हमारा। फिर जैसे जैसे एक उम्र 50 के लगभग की हमारी आने लगती है, एक बैलेंस या एक समत्व बनने की कोशिश करती है, जहाँ कि हम स्थिर भी होते हैं, गंभीर भी होते हैं, पर कार्यरत भी होते हैं जी। तो एक समता जहाँ बननी शुरू हो जाती है उसे सत्व बोलते हैं। तो आखिरी 3 दिन की जो देवी होती हैं, आखिरी जो सिद्धिदात्री होती हैं, इन 3 दिन की जो देवियाँ देवी होती वो सत्व की तरफ जागृत करती है अपनी शक्तियों को। तो रामचंद्र जी ने जो पूजा की माँ दुर्गा की, इसी तरह से 9 ढंग से देवी के रूप को पूजा, और आखिरी दिन देवी प्रकट हुई थी, आशीर्वाद दिया था उन्हें, और राम जी ने रावण का वध किया, इसलिए 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है और रावण दहन किया था। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो जब दिव्यता की बात आती है तो अंग मायने नहीं रखते, आँख चढ़ाने को तैयार होते, वैसे ही अगर आप देखें तो उपमन्यु नाम के भी दृष्टि दिव्यांग हुए, सदर्न इंडिया में तमिलनाडु में एक लिंगा नाम का एक लड़का हुआ, जंगल में रहता था, उसे एक शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग तो स्वयंभू भी होते हैं, तो शिवलिंग मिल गया, किसी कारणवश बड़ा उससे लगाव बना रहा, और साथ ही साथ एक फकीर भी देखा कि जंगल में एक शिवलिंग प्रकट हुआ, तो उसका भी बड़ा लगाव था उसके तरफ, तो वो भी आता लेकिन देखता कि एक जंगली सा लड़का आकर लिंग के आसपास घूमता,
शिकारी था तो हाथ में शस्त्र भी लिए हुए, तुम्हारे डर के नहीं जाता, दूर से देखता है कि जो शिकार कर लाता वही मांस चढ़ा जाता शिव जी के ऊपर, अपने हिसाब से जो फूल पहना रहता वही पहना डालता शिव जी को, तो बड़ा नाराज़ होता मन ही मन देख कर ये। तो शिव जी को एक दिन इस ब्राह्मण ने गुहार लगाई कि नहीं, ये इस तरह आपसे बर्ताव कर रहा है और आप फिर भी इसे क्षमा कर रहे हैं, लिंगा तो दंड के योग्य है, भला कोई मांस चढ़ाता है आप पे, भला कोई जूठा फूल चढ़ाता है आप पे, अरे आप पे तो दूध चढ़ता है, आप पे तो बिल्व चढ़ता है, इसे तो इस चीज़ की भी तमीज़ नहीं। तो उस दिन कुछ यूं हुआ कि लिंगा ने जो आंखें बना रखी थी शिव जी के ऊपर, उसमें से एक आंख से खून निकलना शुरू हो गया। अच्छा। उसके रोकने की कोशिश किया तो आंख मिट गया, तो लिंगा पता नहीं क्या सोचा और अपनी आंखें निकाला और शिव जी की आंखों में लगा दिया, जी। तो ये देखकर वो ब्राह्मण बिल्कुल स्तब्ध हो गया था और लिंगा के पैरों में पड़ गया था कि नहीं, तुम्हारी भक्ति हमारी भक्ति से कहीं ऊपर है, इसलिए जब दिव्यता की खोज होती है तो उस समय अंगों का कोई बहुत मायने नहीं होता, चाहे उसे आप नवकंज लोचन बोलें या कंज मुखकर बोलें या किसी भी चीज़ से उसकी तुलना के करें। ये तो राम जी की कहानी हुई, इधर लिंगा की कहानी हुई तमिलनाडु की, और राम जी हुए किधर के, वो भी चलो जिस समय पूजा कर रहे थे वो तो श्रीलंका में बैठे हुए थे, पर थे तो अयोध्या के। तो ऊपर से नीचे तक अगर आप देखें तो अंगों में दिव्यता को प्राथमिकता देना और उसी की महत्ता तो हमेशा से रही है।